फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट इवेंट, उसको कहते थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर की चर्चा करनी थी। तो गैमेट फॉर्मेशन की चर्चा हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से इसके पहले कर लिया है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे डिस्कस किया था, सेकेंड वीडियो में मेगा स्पोरोजेनेसिस पे बात हुई थी, और इस वीडियो में हम लोग गैमेट ट्रांसफर पर बात करेंगे। तो मेल गैमेट का ट्रांसफर जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, और पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर पिस्टिल तक होने को ही हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू पिस्टिल। ये ब्रॉडली तीन तरीके से हो सकता है। पहले को नाम दिया गया है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी हिंदी में स्वपरागण कहते हैं। ऑटोगेमी में होता यह है कि उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके शेड हो जाए, उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगेमी। जैसे कि पीस, पैपिलियोनेशी फैमिली में पीस में, ऑर्किड्स में इस तरह का ट्रांसफर ऑटोगेमी से होता है। कुछ ऑटोगेमी करने वाले जो प्लांट्स हैं जैसे कि ऑक्सैलिस और कॉमेलियाना, उसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लावर बनता है। दो तरह की, एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। एक को बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर और दूसरे फ्लावर को बोलते हैं प्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर तो नॉर्मल फ्लावर्स हैं जैसे कि पीज और ऑर्किड्स में होते हैं, वहां पे स्टिग्मा और एंथर ओपन होते हैं और एंथर का स्टिग्मा तक ट्रांसफर नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। इसको चेस्मोगेमस फ्लावर बोलेंगे जो कि कॉमेलियाना में पाया जाता है। सेकंड टाइप का जो फ्लावर है वो स्पेशल टाइप का फ्लावर है जिसको बोलते हैं प्लिस्टोगेमस फ्लावर। प्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की खासियत ये है कि इस फ्लावर का इस फ्लावर की ओपनिंग ही नहीं होती। ये फ्लावर एटमॉस्फेयर में इसके पॉलन ग्रेन्स या उसके एंथर और स्टिग्मा ओपन ही नहीं होते तब तक जब तक कि गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो जाता। तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं प्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुई ऑटोगेमी की। सेकेंड कैटेगरी है गाइटोनोगेमी। गाइटोनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी प्लांट में दो फ्लावर्स हों, एक फ्लावर से एंथर चले और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इस प्रकार के फ्लावर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को बोलेंगे गाइटेनोगेमी। इसका एग्जांपल कार्न में, कार्न में आपने देखा होगा कि जो एंथर्स होते हैं सबसे ऊपर एंथर्स लगे होते हैं और जो कार्न का जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकली होती हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्टिग्मा कह सकते हैं बायोलॉजिकली, और वो रिसेप्टिव होती हैं पॉलन ग्रेन्स को कैच करने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को लेने के लिए। तो इस प्रकार का जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो है गाइटोनोगेमी। अब जरा सा ध्यान दो कि इसमें एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन और उसी प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहा है, वही प्रोसेस तो यहाँ भी हो रही है। उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा तक जा रहा है, तो जेनेटिकली इन दोनों में एक ही तरह का पॉलिनेशन होता है और यहाँ पे वेरिएशंस होने के चांसेस, जेनेटिक वेरिएशंस होने के चांसेस बहुत ही कम है। इस वाले में आते हैं थर्ड प्रोसेस जो है वो है जीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है ये कि एंथर का एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑनियन में है, स्पिनेच में है, बहुत सारी ग्रासेस में होता है, ओलिव में है, विलो प्लांट में होता है। और तो ये इस तरह का जो प्रोसेस हुआ उसको बोलेंगे जीनोगेमी। अब इन तीनों में से पहले वाले में तो किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट की जरूरत
नहीं है, अपने आप वहां पे होना है ऑटोगेमी में। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर किसी एजेंट के माध्यम से होगा, उसको बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट, तो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम उनको देखें ध्यान से तो कहेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में विंड और वाटर, ये इसका इस तरह के पॉलिनेशन करने वाले ये जो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये एजेंट्स बहुत कम प्लांट के लिए सही होते हैं। बहुत कम प्लांट्स में इस तरह के पॉलिनेशन होता है, ज्यादातर में बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स जो होते हैं लाइक लिजर्ड्स और ये सब पॉलिनेशन करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों में से ये पॉलिनेशन जहां पे हो रहा है इनमें जेनेटिक वेरिएशंस होने के चांसेस जीनोगेमी में है। तो जेनेटिकली या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीनोगेमी के द्वारा अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है तो वो ज्यादा एडवांटेजियस है इन कंपैरिजन टू ऑटोगेमी और डाइकेनोगेमी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगे ही नहीं और वेरिएशन ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का टूल है। वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन ही बायोलॉजी, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो एबायोटिक पॉलिनेटर्स में विंड के द्वारा, जैसे कॉर्न में होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना है तो स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और एंथर, पॉलिन ग्रेन्स दोनों का स्पेशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों में कुछ एडाप्टेशन होने चाहिए। एंथर में जो पॉलिन ग्रेन बनेगा उसमें क्या एडाप्टेशन होना चाहिए कि वो बहुत लाइट वेट का हो ताकि वो इजिली विंड के साथ पैसिवली जा सके। दूसरा एंथर जो है वो बिल्कुल विंड के साथ ओपन होना चाहिए, जरा सा भी विंड उसको मिले तो वो उसको उड़ा करके अपने साथ ले जाए। और स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिग्मा हाईली रिसेप्टिव होनी चाहिए, तेजी से पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ ले सके। जैसे कि कॉर्न में जो हेयर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं, इजिली पॉलन ग्रेन्स को अपने साथ ले लेते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। कॉर्न इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विंड पॉलिनेशन का। वाटर पॉलिनेशन के लिए वेरिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर एंथर वाटर की सरफेस पे आ जाएगा और जो फीमेल फ्लावर होगा वो नीचे से डेवलप करते करते आएगा बिल्कुल वाटर के सरफेस तक। वाटर के सरफेस पे पहुंचकर उसका जो स्टिग्मा होगा वो ओपन हुआ रहेगा, जिससे कि जो पॉलिन ग्रेन्स होगा वो भी स्पेशल एडाप्टेशन लिए रहता है और आकर के स्टिग्मा पर स्टिक कर जाता है वेलिसनेरिया प्लांट में। तो ये वाटर पॉलिनेशन का तरीका है। अब आते हैं बायोटिक वाले पे। बायोटिक पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन तो करते हैं, तो इस पॉलिनेशन को करने के लिए जो फ्लावर होगा वो अट्रैक्ट करता है किसको, इन पॉलिनेटर्स को। यहाँ पर जो एबायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते हैं वो फ्लावर, न उनके पास बहुत अच्छी कोई स्मेल होती है। इनके पास स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल फीचर होता है, किस लिए कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करें, जिससे वो पॉलिनेटर आए इन फ्लावर्स के पास और पॉलिनेशन प्रोसेस को कैरी ऑन कर सके। बदले में केवल अट्रैक्ट ही नहीं करते, ये जो फ्लावर्स होते हैं न केवल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि उनको रिवार्ड भी देते हैं, लाइक बहुत अच्छी स्मेल जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी स्मेल निकलती है, उस स्मेल की वजह से इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट होता है और बदले में इनसे नेक्टर भी ले जाता है। तो ये इंसेक्ट्स के लिए हुआ। बर्ड्स
के जो बर्ड से जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं तो उनमें बहुत फाउल टाइप की स्मेल आती है, दुर्गंध, जिससे वो बर्ड वहां अट्रैक्ट होती है और उस फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स को अपने विंग्स के साथ या अदर ऑर्गन्स के साथ ले जाती है, जो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं उसको शेड कर देती है, स्टिग्मा पे जाके वो स्टिक हो जाता है। ह्यूमन बीइंग्स भी इसी तरह से, माने जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं वो किसी रिवार्ड के लालच में फ्लावर्स तक अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ फ्लावर तो ऐसे होते हैं जिनमें रिवार्ड देने का जो तरीका है वो काफी डेवलप्ड है, जैसे कि एमार्फेलस और यक्का, यहाँ पर दो एग्जांपल दे रहे हैं। एमार्फेलस लार्जेस्ट फ्लावर है, लॉन्गेस्ट फ्लावर, जो कि लगभग 6 फीट तक लंबा फ्लावर होता है और इसमें बहुत सारे मॉथ्स जाके एग लेइंग करते हैं। उसी तरह से यक्का प्लांट में भी मॉथ अंदर जाकर के एग लेइंग करते हैं, वहां पे एग ले करते हैं और बदले में क्या करते हैं, इनको तो साइट मिल गया, मॉथ को और इंसेक्ट्स को इन फ्लावर्स के अंदर एग लेइंग की साइट मिल गई, बदले में वो मॉथ और इंसेक्ट करेगा क्या, इनका पॉलिनेशन कर देगा। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल्स के बीच में बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप पॉलिनेटर्स के रूप में और पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के रूप में दिखाई देती है। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया, ज्यादातर प्लांट्स जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें की एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो प्रकृति ने ऐसा तरीका बनाया है कि ज्यादातर फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन को बचाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऐसा उनके अंदर मैकेनिज्म डेवलप होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन न करके क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो नेचुरली ये नेचर ने इस तरह से कर रखा है, जिसका पर्पज ये है, नेचर भी यही चाह रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते रहें और वेरिएशन प्रोड्यूस होते रहें। इसको करने के लिए प्लांट्स में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स में जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर में होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब एंथर शट करने को होगा, स्टिग्मा ओपन ही नहीं रहेगा उस समय, जब स्टिग्मा ओपन रहता है तो उसके पहले एंथर शट हो चुका होता है। और बहुत सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि स्टिग्मा और एंथर्स की पोजीशन इस तरह की होती है कि उस फ्लावर से उसी फ्लावर में ट्रांसफर होना कठिन हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। तो इस तरह से जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑटोगेमी को, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, बचना चाहते हैं उससे, जिससे कि वेरिएशंस ज्यादा से ज्यादा हो सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में जेनेटिक वेरिएशन जब रहेंगे तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तेजी से आगे बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं गैमेट ट्रांसफर के अगले इवेंट पर, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर शेड कर गया तो जितने पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे या जितने पॉलन ग्रेन्स लेकर के वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स चले, चाहे वो एबायोटिक एजेंट्स हो चाहे बायोटिक एजेंट्स हो, तो सारे के सारे तो यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचेंगे नहीं, कुछ पहुंच पाएंगे, कुछ रास्ते में गिर जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे। तो इस कंपेंसेशन से, इसको कंपेंसेट करने के लिए पॉलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं, जिससे पक्का रहे कि निश्चित रहे कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाए, और जब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंच चुके तो स्टिग्मा और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो भी बहुत सेंसिटिव है, वो सारे पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर एंट्री देगा ही नहीं। वे पॉलन ग्रेन्स जो इस फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव इस प्लांट के लिए सुटेबल होगा, इस फ्लावर के लिए सूट करेगा, उसी को यहाँ पर एंट्री मिलेगी। बहुत ही माइन्यूट इन दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन होता है एट केमिकल लेवल। बायोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट अभी इस पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन केमिकल्स को जान पाए जिन केमिकल्स की वजह से ये पॉलन में रिकॉग्निशन हो पाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो इसके लिए एकदम बिल्कुल फिट होगा
वही पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट करेगा, और पॉलन ग्रेन्स अगर इसके लिए सुटेबल रहे तो वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करना शुरू करेंगे और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको नाम देंगे पॉलन ट्यूब, जो कि स्टाइल से होते हुए माइक्रोपाइलर रीजन से, ये देखो ओव्यूल का माइक्रोपाइलर रीजन है, यहां से अंदर एंट्री लेगा। इस एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए जो नीचे तीन सेल्स बनी थी जिसमें एक एक सेल थी और दो बगल में सिनर्जिट्स बनी थी जिनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फिलीफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को यहाँ अंदर इसके अंदर प्रोट्रूड करने के लिए फैसिलिटेट करेगी, और यहाँ से पॉलन ग्रेन का जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होकर के इम्ब्रियो साइट तक पहुंचेगा। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है। और फिर एक बार मैं ले आता हूँ कि पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही सेंसिटिव इंटरेक्शन होता है, हर तरह के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाती। तो पॉलन और पिस्टिल का जो इंटरेक्शन है वो भी एक तरीका है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, इसलिए कि अगर बाय द वे मान लीजिए उसी फ्लावर का किसी तरह से पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर हो ही गया और इसको उस समय जरूरत नहीं है, केमिकली ये नहीं उसको रिसेप्ट कर पा रहा है, तो उसका जर्मिनेशन नहीं होने देगा। और आजकल बहुत ही पॉपुलर टेक्निक्स है हाइब्रिड टेक्निक, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की जाती है, जिसमें एक प्लांट का पॉलन ग्रेन आर्टिफिशियली दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि जरूरत का जो डेवलपमेंट हो कैरेक्टर्स का वो प्लांट में किया जा सके, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब अगर किसी प्लांट में जो कि बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट प्लांट है, उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है तो इसके लिए जरूरत है कि उस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन न होने पाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को करने के लिए उस प्लांट में पहला काम तो ये होता है कि बड के फॉर्म में जब ही फ्लावर रहे तो वहां से फॉर्सेप्स की मदद से, फॉर्सेप्स की हेल्प से एंथर्स को रिमूव कर दिया जाए। जब वो एंथर वहां नहीं रहेगा तो वो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को आर्टिफिशियली वहां तक पहुंचाते जर्मिनेट कराके फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और रिमूवल ऑफ एंथर जो होता है उसको बोलते हैं ईमैस्कुलेशन। ईमैस्कुलेशन की प्रोसेस से आर्टिफिशियली बड फॉर्म बड से ही एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, एंथर्स को वहां पर डेवलप नहीं होने देते और दूसरे प्लांट का अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन वहां न पहुंच पाए तो जिस फ्लावर का इमैस्कुलेशन किया जाएगा उसके ऊपर बैग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं बैगिंग, उसको कवर एक कवर से ढक देते हैं जिससे कि उसमें अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स न पहुंच पाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी बिना इमैस्कुलेशन के बैगिंग कर दी जाती है जिससे कि उसमें अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स न पहुंच पाए। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का लास्ट स्टेज रहा कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर माने गैमेट का ट्रांसफर, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर, ये तीनों प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।